स्टे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मायरा। आप सबको बता दें कि अमरनाथ यात्रा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 29 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यात्री निवास में श्रद्धालु इस वक्त देश विदेश से आ चुके हैं। तो चलिए श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं कि उनमें कितना उत्सव जो है वो देखा जा रहा है इस यात्रा को लेकर। तो चलिए कुछ श्रद्धालुओं से हम भी बातचीत करते हैं। जी भैया, कहाँ से आए आप? हम मैहर से, यूपी, एमपी से। कितने लोग आए आप? 9 लोग हैं। अच्छा, खुशी हो रही है यात्रा पहली बार? बहुत खुशी हो रही है। पहली बार जा रहे हैं आप? पहली बार जा रहा हूँ। आज से पहले नहीं गए? नहीं, कभी नहीं गया। भैया आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अभी गोरखपुर? गोरखपुर से जी। तो अभी आप अंदर जाएंगे फिलहाल? अंदर जाएंगे हम लोग फिलहाल। हाँ, कैसा फील हो रहा है? कितनी खुशी हो रही है? अभी हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी पहली बार यात्रा है अमरनाथ की। हाँ। अच्छा, कुछ सोच के रखा हुआ था कि अमरनाथ? हाँ, हमारी सपना था बहुत पहले से। जी, हमारा बहुत पहले से सपना था अमरनाथ आने का। फाइनली सपना पूरा हो रहा है? सपना पूरा हो रहा है हमारा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप देखिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह और खुशी जो है वो देखी जा रही है। भैया कहाँ से? जी हम एमपी छतरपुर बागेश्वर धाम से हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग 3 लोग आए हैं। 3 लोग आए हैं जी। अब पहली बार जा रहे हैं? जी बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं। क्या सोच के आए हैं? क्या सोच के आए कि बाबा बर्फान जी के दर्शन करना है, इसलिए सभी लोग आए हैं। फ्रेंड्स आए हो? जी बिल्कुल, 3 लोग आए हैं। नहीं, फैमिली नहीं आए। अच्छा, खुशी हो रही होगी आप सबको? बहुत खुशी, हम लोग बहुत खुश हैं। बाबा बर्फान जी उत्साहित, बहुत अंदर भावुक भी हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको बता देंगे दर्शन करने के लिए ये लोग जो है इतनी दूर से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है इनमें देखी जा रही है। फिलहाल आप लोग अंदर जाएंगे, अंदर की अरेंजमेंट्स का भी आप? पहले देख चुका हूँ, इनमें बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर। बाहर आए थे शॉपिंग करने के लिए, दोबारा से अंदर जा रहे हैं। व्यवस्था अच्छी है। कैसी फैसिलिटीज है? इसलिए AC रूम भी मिल रहे हैं वहाँ पर, और कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं लेकर रहा है वहाँ पर, और भंडारे भी हैं, फ्री खाना भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो आप पहली बार जा रहे हैं? नहीं, मैं 5वीं बार है मेरा, 5वीं बार बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैं यूपी शाहजहाँपुर से आ रहा हूँ। तो पहले की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, पहले जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी, उनमें और अब में क्या फ़र्क है? नहीं, वैसे ही सेम फैसिलिटीज़ हैं, और बाबा के दर्शन के लिए कोई हम लोग को दुविधा नहीं होती है, आराम से मेरे दर्शन होते हैं, हर चीज़ की सुविधा मिलती है हम लोग को। आप अकेले आए हो या फैमिली साथ आए? हम लोग 14 लोग हैं, 14 लोग अपने दोस्तों के साथ आए हैं। आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं? यस मैम, पहली बार। यस। आपके साथ कौन है? और हस्बैंड है, बेटा है मेरा। अच्छा, आप पहली बार? हम 10वीं बार जा रहे हैं। 10 साल से? जी 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 जी। तो क्या फैमिली को लेकर फर्स्ट टाइम है? फैमिली को लेकर? जी जी जी। अच्छा, तो पिछले 10 साल से आप यहाँ पे जम्मू में आ रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। कुछ अलग? कुछ नहीं, हर बार एक नया उत्साह। ऐसा डर तो नहीं लगता है कि जम्मू के लोग? नहीं नहीं नहीं, बाबा पिताजी से मिलने से काय का डर, उनसे तो मन करता है बार बार मिलने का। तो ऐसे ही आप आगे भी यात्रा करते? बिल्कुल, करते रहेंगे जब तक बुलावा आता रहेगा, करते रहेंगे। ठीक है मैम, चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम, जो लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। भैया पहली बार जा रहे हैं? नहीं, मैं 8वीं बार जा रहा हूँ मैडम। जी हाँ। तो लखनऊ से आए? लखनऊ से आए। जी जी मैडम, हम लोग 8 लोग हैं, 6 लोग सॉरी। क्या अच्छा उत्साह है मन में? बहुत ज्यादा उत्साह, हर साल हर उत्साह बहुत बढ़ता ही जाता है अक्सर। बिल्कुल, हर हर महादेव। बिल्कुल अक्सर मिलता है। आप क्या कहेंगे? बहुत उत्साह है मन में, पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन जी उसके बाद भी इतना उत्साह इस उम्र पे भी। हाँ जी, ठीक है मैम। आप भी फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जा रही? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसी खुशी है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मन में क्या था कि आपको? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली जाऊँगी यहाँ पे, बट होता है ना, जिसका बुलावा आ गया तो चल पड़े। अंदर की अरेंजमेंट्स वगैरह आपने देखी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, अभी नहीं आई। नहीं नहीं, अभी नहीं। आपके साथ और कौन जा रहा है? हस्बैंड है और रिलेटिव्स है, सब साथ में हैं। हमारे चाचा जी हैं। जी जी, ये हमारे भाई। सब लोग फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं? नहीं नहीं, इनका तो है, मुझे लग रहा है 2-3 बार। हमारा फर्स्ट टाइम है, फोर्थ टाइम है, बाकी हम लोगों का फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? जी जी। ठीक है मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। आप सबको बता दें कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी चेक जो है वो हो रहा है। यहाँ से जो है यात्री गुजरेंगे और आगे जाके जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है, फिर जाके उनकी एंट्री जो है हो रही है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं यात्री निवास में, आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है यात्रियों को पेश नहीं आएगी। और अगर कोई यात्री भी मुझे देख रहे हैं तो उन्हें भी बता दें कि उनके लिए तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर सरकार द्वारा किए गए हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पर उत्साह के साथ और इस यात्रा का जो है आनंद लीजिए।
आप सबको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर फिलहाल यात्री निवास में है और सब लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गर्मी जो है, भीषण गर्मी के बीच भी ये यात्री जो है यहाँ पर खड़े हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल पा रहा है यहाँ पर फिलहाल यात्री निवास में। और आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर जो है वो है, क्योंकि सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि इन सब श्रद्धालुओं का यहाँ पर पंजीकरण जो है वो हो चुका है और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्सव जो है वो देखा जा रहा है। हर हर महादेव के नारे जो है यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। आपको बता दें कि जम्मू के यात्री निवास में श्रद्धालु जो है देश विदेश से आना शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में है और काफ़ी ज़्यादा उत्सव जो है श्रद्धालु में देखा जा रहा है। तो आप सबको बता दें कि 28 तारीख की सुबह यानी कि कल की सुबह जो है श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और उसे खुद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे और 29 तारीख से ये यात्रा जो है वो शुरू होगी। आप सबको बता दें कि श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह जो है वो देखा गया है। ऐसे ही आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि यात्रियों में जो जितना भी उत्साह है आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।